नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं ललित लेकर हाजिर हूं आज की खास खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में पोलियो दिवस पर रोटेगर ने शुरू किया पोलियो मुक्त अभियान। फिर चली आम आदमी पार्टी की झाड़ू, रैली में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सेक्टर 2 में शिव मंदिर स्थापना दिवस मनाया गया, साथ ही भंडारे का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक वोट एक नोट में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए लोह संग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश में पैसे डालकर की गई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर सभी उत्सुक हैं। इसी उत्सुकता में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लहर है। देश की आधी से ज्यादा जनता मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जनता के इस रुझान को देखकर लगता है कि कांग्रेस को इस बार मात मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ता भी पार्टी के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूरे देश के साथ भिवाड़ी में भी भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। भिवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक वोट एक नोट का कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए लोह संग्रहण मुहिम की भी शुरुआत की। इस मौके पर मंडल महामंत्री नरेंद्र खटाना, अभय भिदोड़ी, सुभाष तंवर और दिनेश यादव सहित करीब सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक नोट एक वोट और लौ संग्रह का प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है। भिवाड़ी के हिंदू परिषद की ओर से कहा, भिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी, ये कार्यक्रम पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और पूरे हमारे जितने 3500 वार्ड में हमारा ये कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। वही मंडल महामंत्री ने एक वोट एक नोट कार्यक्रम और सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में जानकारी दी। जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हर परिवार से डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता बंधु हर बूथ लेवल पे, हर वार्ड लेवल पे वहाँ जाएंगे और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लहर पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है, उस लहर को आगे बढ़ाते हुए हर परिवार से मोदी जी को वोट और सपोर्ट के लिए अपील की जाएगी और उनसे एक रुपए से लेके जितनी भी किसी भी भाई की सोच श्रद्धा है उस हिसाब से उनके लिए चुनाव चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाई जा रही है गुजरात के अंदर, उसके लिए लोह संग्रहण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिन्होंने की 565 रियासतों को मिलाकर भारत को संपूर्ण एकता के सूत्र में पिरोया था, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम आज यहाँ पर वार्ड नंबर 22 और 24 का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष का कहना है कि इस कार्यक्रम में मोदी के प्रति लोगों में ज्यादा रुझान बढ़ेगा और एक नोट से नरेंद्र मोदी को चुनाव में सहायता मिलेगी। और हमने मोदी को पीएम बनाना है, इसी कार्यक्रम में हमने पूरे अब नजर डालते हैं फिल्मी नगमे पर। फिल्म गुंडे का मार्केट में काफी क्रेज चल रहा है। यह फिल्म रिलीज होने के बाद से अब तक 64 करोड़ रुपए कमा चुकी है। आपको दिखाते हैं फिल्म की एक झलक। गुंडे रिलीजिंग के बाद अब तक 64 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यह फिल्म दोस्ती और प्यार से जुड़ी है। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने फिल्म में बेहतरीन रोल निभाए हैं। गुंडे का भिवाड़ी के लोगों में भी काफी क्रेज देखा जा रहा है। फिल्म को देखने के लिए बीबी मॉल में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैनेजर का कहना है कि लोगों को काफी पसंद आ रही है ये फिल्म। काफी संख्या में टिकटें बिक रही हैं। लोग अब फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो तारीफ ही तारीफ करते हैं। साले बचपन से भाई से भी ज्यादा प्यार दिया तुझे, अपने हिस्से की रोटी खिलाई, सीने से लगा के सुनाया। साले तेरी हर गलती को बचपना समझ के माफ किया, लेकिन तू तो साला दुश्मन से भी बदतर निकला, गोली चला दी मुझ पे। अब ऐसा क्या जाता रहा, तेरी इन बातों से मैं अपना दिल नहीं बदल लूंगा। और इतना गुस्सा है ना, कचान से मारे थे मुझे। रिलीज हुई थी गुंडे और
यशराज कैरेक्टर की अर्जुन कपूर एंड उसका नाम जो है रणवीर सिंह, दोनों की मूवी से ऊपर कलकत्ता के ऊपर शूटिंग हुई है। अभी तक उसने स्टिल ना 64 करोड़ की बिजनेस किया है और दोनों अपकमिंग स्टार इतनी अच्छे ऊपर नॉन स्टार कास्टिंग होते हुए भी मूवी को अच्छी लेके गया है और अच्छी बिजनेस किया है इस मूवी के ऊपर। लोग देखने भी आ रहे हैं कि अभी तक ऐसे टाइप की मूवी नॉन कास्ट बनी नहीं थी। और जहाँ तक ये सवाल है यशराज बैनर की, तो उन्होंने अच्छा काम किया इस मूवी के ऊपर। आए दिन भिवाड़ी में लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। अब तो चोरों ने हद ही कर दी। दिन दहाड़े गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान पार कर दिया। चोरों ने राजस्थान पुलिस पर एक बार फिर जड़ा करारा तमाचा। भिवाड़ी लूट मार की वारदात से बच नहीं सकती। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों से लूट की वारदातें रोजाना सामने आ रही है। कभी गणपति प्लाजा के सामने कार शीशा तोड़कर नकदी पार, तो कभी ढाबा कॉम्प्लेक्स पर दुकानों के ताले तोड़े। सभी वारदातों पर पुलिस देरी से पहुंची, ना ही कोई अपराधी अब तक पकड़ में आया। शायद अपराधी के दिल से पुलिस का खौफ खत्म हो गया। पुलिस आराम से आती दिख रही है। फिर लुटेरों ने सेंटर मार्केट में खड़ी कार से 50,000 की नकदी, सोने की अंगूठी, कान के एक जोड़ी कुंडल पार कर दिए। लुटेरों ने एक तरह अपना हाथ साफ किया लुटेरों ने इस तरह अपना हाथ साफ किया कि बाजार के बीचों बीच खड़ी कार का शीशा तोड़कर सामान पार कर चंपत हो गए। वारदात को सुनकर मार्केट में भीड़ जमा हो गई। वारदात करीब दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुई। घटना की सूचना पाकर पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस फिर 1 घंटे बाद पहुंची। शायद इसलिए ही पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। कार मालिक इंद्रजीत का कहना है कि वह फ्लैट खरीदने के लिए भिवाड़ी आया था। वह किसी काम से मार्केट में गया हुआ था, आकर देखा तो कार का शीशा टूटा हुआ था और उसका सामान चोरी हो चुका था। पुलिस प्रशासन भी काफी देर बाद पहुंचा। दुकानदारों ने भी प्रशासन के खिलाफ रोष जताया, कहा कि प्रशासन के ऐसे रवैये के कारण ही लुटेरे खुले घूम रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कल की सोचो यानी जल की सोचो, पानी को तरसोगे उस पल की सोचो। जल ही जीवन है, इसका समझदारी से प्रयोग करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवाड़ी में सरकारी अस्पताल में पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब की ओर से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रोटरी क्लब ने यह अभियान शुरू किया। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब की ओर से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रोटरी क्लब ने यह अभियान शुरू किया। पोलियो मुक्त भारत, यह अभियान करीब 15 साल पहले हुआ। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर खिलौने भी बांटे। भारत जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है और हमें अब थोड़ा सा प्रिवेंशन रखना है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा 0 से 30 साल का बच्चा रहे नहीं रहे, कोई भी क्षेत्र में कोई केस दोबारा से नहीं निकले और पोलियो मुक्त भारत हो, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई अपाहिजता विकलांगता नहीं निकले, तो एक बड़े खुशी का विषय है कि भारत पोलियो मुक्त होने जा रहा है। और पूरे क्षेत्र में सभी बच्चों को 0 से 3 साल तक के बच्चों को सबको दवा पिलाई जाती है। पहले दिन बूस्टर पिलाई जाती है और सेकंड और थर्ड डे हाउस डोज की पिलाई है और सभी जो हाई रिस्क एरिया हैं वहाँ भी जाकर के दवाई पिलाई जाती है। और आज पोलियो मुक्त भारत घोषित हुआ, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे सब रोटरी की बहुत मेहनत है और आप हेल्थ विभाग की भी काफ़ी मेहनत है और हमें उम्मीद है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और पूरे भारतवर्ष को पोलियो मुक्त रखेंगे। ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को
छोटे छोटे बच्चों को हर साल पोलियो दवा पिलाए। साथ ही डॉक्टर रूप सिंह ने रोटरी क्लब की सराहना की और सभी परिजनों को पोलियो की दवा पिलाने की गुजारिश की। बहुत ही हर सब खुशी की बात है, जैसा रोटरी के अध्यक्ष और रोटरी अध्यक्ष अभी बता रहे थे, भारत जैसे 130 करोड़ के देश को पोलियो मुक्त घोषित करना, मैं समझता हूँ इतने विकलांगों का उपचार यहाँ असंभव था। ये तो केवल सावधानी वशात 23 को किया गया है, अदरवाइज अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन संस्था ने भारत को पोलियो मुक्त का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। एक भी कीटाणु ना रह जाए, एक भी बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं रह जाए, इसलिए ये सुपर एडेड एफर्ट्स हैं और इसमें रोटेरियंस की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक एक कार्यकर्ता गाँव गाँव गया, ढाणी ढाणी गया, पूरे गवर्नमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों ने, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके मार्फत ये सिद्ध किया है कि अगर सरकार के कर्मचारी भी ठान लें तो देश का कल्याण हो सके। माता पिता स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय निकालें बच्चों के लिए तो उनको संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। अपंग और अपाहिज भविष्य के बजाय अच्छा है कि हम रोज थोड़ा सा समय निकालें, समय पर टीकाकरण कराएं। आज पोलियो से मुक्त हो गया, लेकिन DPT डिप्थीरिया परट्यूसिस आने वाले समय में होने वाले जैसे दूसरे कैंसर के प्रतिरोधक टीके आएंगे, हेपेटाइटिस के टीके आएंगे, मेनिंजाइटिस के टीके उपलब्ध हैं। पूरी अपने निकटतम डॉक्टर से जानकारी लेके समय पर टीकाकरण बीमारियों से बचाव का बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा किया है रोटरी ने अपने सभी सहयोगियों से धन इकट्ठा करके, इससे दुगना सरकार ने खर्च किया है। लेकिन पैसा मायने नहीं रखता, रोटेरियन जो हर पोलियो बूथ पर पहुँचे, अब यहाँ भी देख रहे हैं कार्यकर्ता हर बूथ पर पहुँचे, गांव-गांव ढाणी अपने बच्चों को साथ में लेके दवा पिलाने के अभियान में प्रचार में पहुँचे, सामग्री की, सेमिनार की, कॉन्फ्रेंसेस की, मैं समझता हूँ रोटरी का कोई मुकाबला नहीं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने रोटरी क्लब का धन्यवाद दिया। रोटरी क्लब ने पोलियो का अभियान मैडम केवल आज ही नहीं छोड़ा है, बल्कि ये सन 1985 से रोटरी क्लब ने अपने हाथ में लिया हुआ है और सन 1988 से विश्व की अनेक संस्थाएं जिसमें यूनिसेफ, WHO, CDC और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शामिल हैं, विभिन्न देशों की सरकारों के साथ इस प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया है और आज हमें इस चीज़ की खुशी हो रही है कि रोटरी के लगभग 600 करोड़ रुपए तो लगे हैं और विभिन्न संस्थाओं से भी मदद ली गई है, लेकिन उन सब कारणों से और सबके मिले जुले प्रयास से आज हम भारतवर्ष को पोलियो से मुक्त कर पाए हैं। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की और प्रसन्नता की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व को 99% पोलियो से मुक्त कर लिया गया है। ये सब हम सबके प्रयासों का और जनता के सहभागिता का ही असर है जो हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, रोटरी क्लब उनको ये सहायता देता है, शुरू से कई कैंपेन चल रहे हैं कि जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्हें पोलियो की वजह से कहीं अपंगता जिनके शरीर में आ गई है उनको विभिन्न प्रकार की सर्जरीज या विभिन्न प्रकार के कैलिपर्स लगाना या विभिन्न प्रकार की फिजियोथेरेपी कराना, उसमें रोटरी क्लब का शुरू से हमेशा सहयोग रहा है और अब तो सबसे बड़ा प्रयास ये चल रहा है कि आगे इस तरह की चीज़ें सामने ही नहीं आए और जब विश्व को पोलियो से मुक्त बनाना है तो ये बीमारी सदा के लिए हमेशा के लिए सबको मुक्त रख सके। भिवाड़ी की सुकैम कंपनी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। पेश है एक रिपोर्ट। भिवाड़ी की सुकैम कंपनी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई राजेंद्र सुकैम कंपनी में काम करता था, जो नाइट ड्यूटी के दौरान चाय पी रहा था, तभी उसके गले में खराश हुई। खराश के कारण डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने ESI हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। ESI में राजेंद्र को मृतक घोषित किया। मृतक UP मथुरा का रहने वाला है। वो मेरे को फैक्ट्री से लेके आए और मैंने वहाँ पे आया तो मेरे को डेथ बॉडी मिली, तो वहीं पे वो खत्म हो गई थी। भाई हैं जी मेरे, मिलना चाहिए, हम दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, मिलना चाहिए। मुझको जिस प्रकार से पता लगा यहाँ पे, मैं यहाँ आया, यहाँ पहुँचने के बाद में सारी कार्रवाई मैंने पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह उनसे पूछी और यहाँ पे पूछी तो यहाँ पे मुझको पोस्टमार्टम किया हुआ मिला। उसमें सुबह इनका 8 बजे के करीब ओम प्रकाश उनके साथ ड्यूटी में था, वो उसने बोला कि मुझको खराश हो रही है, राजेंद्र सिंह ने बताया, जो कि उसको छोड़ के फिर वो किसी एक प्राइवेट डॉक्टर के पास में गए, लक्ष्मण के पास में। लक्ष्मण ने उन्होंने कोई पता नहीं कुछ मेडिसिन दी, क्या किया, वो उनकी हालत गंभीर हो गई ज़्यादा। फिर उसको ESI में ले गए, ESI में जाके वहाँ पर थोड़ी देर उनके साथ उनको डॉक्टर रुके, उनको बाद में थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिया। ये सारी कार्रवाई ये फूड पॉइजनिंग की शायद लगती है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका कुछ क्लियर होगा। तो कंपनी वालों को पता है इस बारे में?
कंपनी वालों को खबर दे दी गई है और कंपनी में रह रहे हैं बंदे, मैनेजर भी आया हुआ है यहाँ पे और कंपनी का मालिक तो भी यहाँ नहीं है। आइए घंटा में आ जाएंगे जल्दी। हम के दो बच्चे हैं, भाई सिंह के जवान थे, पीछे ढाई घंटा में आ जाएंगे। 35-40 साल एज थी, उनको जवान थे, कोई भी तकलीफ नहीं थी उनको। और ये मतलब बिल्कुल उनके दो बच्चे हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। ये तो जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उनके बच्चों की मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए। अगर सर्विस में अगर कुछ कर सकते हैं वो, तो उस टाइप की उनको मदद करनी चाहिए। हाउसिंग बोर्ड में शिव सेवा ट्रस्ट की ओर से शिव मंदिर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। हाउसिंग बोर्ड में शिवसेना ट्रस्ट की ओर से शिव मंदिर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में ट्रस्ट अध्यक्ष नीचा राम तख्तानी, कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार जोशी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। 25 स्थापना दिन मनाया हमने। सुबह हवन हुआ था और 10 बजे केक कटा था भोले भंडारे का, और उसके बाद में 21 पंडितों को 5-5 कपड़े, दक्षिणा और भोजन कराए हैं, जो दिवाली निश्चित के जितने भी मंदिर है सबके। आए साल 23 पंडितों का भंडारा होता है, शिवरात्रि का भंडारा होता है, लोग भंडारे में सकते हैं। हाँ, जो हर उसमें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगर सभी लोग ऐसे धार्मिक हो जाए तो मतलब दुनिया ही बदल सकती है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नीचा राम जी इस कार्यक्रम में 25 साल से निभा रहे हैं और 25वां वो है दिवस है, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये चाहता हूँ भगवान सबको समृद्धि दे, जितने भी बंदे हैं उनमें से 10% भी ऐसे हो जाएं तो दुनिया ही सुधर सकती है। और शिव की महिमा परम्पार है, जो भगवान का नाम लेता है उसको यहाँ भी और ऊपर भी सब जगह खुशी मिलती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में लोगों ने हाथ में झाड़ू लेकर नारे लगाए। यह रैली सेक्टर 4 से गुजरती सेक्टर 6 में पहुंची। एकमात्र संदेश और वो संदेश ये है कि देश में व्याप्त राजनीतिक गंदगी जो है, ये राजनीतिक गंदगी, ये भ्रष्ट राजनीति जो है, इसके सफाया के लिए, इसको साफ करने के लिए ये झाड़ू यात्रा को प्रारंभ किया गया है। पूरे देश में एक साथ 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये झाड़ू यात्रा चलेगी। और ये झाड़ू यात्रा ये संदेश हर आदमी को, हर आम जनता तक पहुंचाएगी कि अब सफाई का समय आ गया है, अब इस राजनीति की गंदगी को साफ करना है और हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में पोलियो दिवस पर रोटी क्लब ने शुरू किया पोलियो मुक्त अभियान। फिर चली आम आदमी पार्टी की झाड़ू, रैली में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सेक्टर 2 में शिव मंदिर स्थापना दिवस मनाया गया, साथ ही भंडारे का किया आयोजन। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।